तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्रा, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पबजी मोबाइल के अंदर जो नया कंपेनियन हमें देखने को मिल रहा है तो उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि वो कंपेनियन को यूज़ तो कर ले रहे पर उनको नहीं पता कि कैसे कंपेनियन को रिमूव करना है। एंड बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत हो रहा है कि गेम के अंदर उसको प्रॉब्लम हो रहा है इस कंपेनियन को यूज़ करते हुए। तो इसके वजह से मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंपेनियन को रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना ना भूलना। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम डेली इन्फॉर्मेटिव इसका वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी मैंने कंपेनियन को यूज़ करके रखे हैं। एंड अगर आपको नहीं पता कि कंपेनियन को कैसे परचेज करना है एंड इसका एक्सपी लेवल जो है उसको कैसे गेन करना है तो इसके ऊपर मैंने दो डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंपेनियन को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वर्कशॉप के अंदर। तो वर्कशॉप के अंदर यहाँ पर कंपेनियन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप आ जाएंगे इस पेज के अंदर, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंपेनियन का ये आ चुका है। एंड यहाँ से आप कंपेनियन का जो नेम है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड इसके साइड में आप देख पा रहे होंगे सेंड बैक करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर ये सेंड बैक के ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ब्रिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा एंड आपका कंपेनियन यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अगर मैं फिर से जाता हूँ लॉबी के अंदर तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरा कोई भी कंपेनियन नहीं है। एंड अगर आप यहाँ से जाकर डायरेक्टली मैच स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई भी कंपेनियन गेम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों अगर आप फिर से कंपेनियन को वापस से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फिर से जाना पड़ेगा वर्कशॉप के ऑप्शन के अंदर। एंड यहाँ पर आपको फिर से कंपेनियन के ऑप्शन के अंदर चले जाना है। एंड अभी वहाँ पर देखेंगे ब्रिंग का एक ऑप्शन आएगा, तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देते तो आपका कंपेनियन फिर से आपके पास आ जाएगा। जैसे कि देख पा रहे होंगे मेरा कंपेनियन मेरे पास फिर से आ चुका है। तो ऐसे करके आप कंपेनियन को रिमूव भी कर सकते हैं, दोबारा से उसको ले भी सकते हैं। तो जिन लोगों का सवाल था कि भाई कंपेनियन को कैसे रिमूव करें, मैंने आपको बता दिया बहुत सिंपल तरीका है। तो अगर आपको रिमूव करना है आप जाके इसको ऐसे सेम तरीके से रिमूव कर सकते हैं। एंड दोस्तों और एक सवाल जो आपने मेरे से पूछा था कि भाई अगर मैं कंपेनियन को रिमूव कर देता हूँ तो मेरा एक्सपी गेन होगा या नहीं, या एक्सपी कम तो नहीं हो जाएगा, तो उसके आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कंपेनियन को रिमूव करके खेलते हैं तो ना आपका एक्सपी गेन होगा ना आपका एक्सपी कम होगा। मतलब जब भी आप उसको यूज़ करके खेलेंगे तभी सिर्फ आपका एक्सपी गेन होगा, कम होने का कोई चांस ही नहीं है। दोस्तों यही था छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूलना। एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स पबजी मोबाइल खेलते हैं सभी के अंदर वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। एंड बेल आइकन के साथ साथ जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फिर मुलाकात होगा एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे।